जान से मार दूंगा तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। दीदी छोड़ो दीदी। नहीं, जान से मार देगी चिंगारी तुझे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा देगी चिंगारी। दीदी छोड़ो छोड़ो दीदी, तेरे जान से मार देगी। दीदी नहीं नहीं, दीदी उठो ना दीदी। दीदी दीदी क्या हो गया था, आप तो मेरी गर्दन ही दबोच दिया था, ऐसा क्या देख लिया था अपने में, आप तो मुझे मार ही देती हूँ। अरे पहलवान, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया, लगता मैं गहरी नींद में थी, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने तेरी गर्दन कब दबाई। दीदी आज तो मैं मर ही जाता अगर थोड़ी देर और मेरी गर्दन न छोड़ती हो। पहलवान मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैं तेरी गर्दन क्यों दबा रही थी, अरे मैं तो नींद में थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है पहलवान, कुछ भी याद नहीं है। दीदी मुझे लग रहा है आपको बुरी आत्मा का साया है, मैं किसी दिन मर ही जाऊंगा। तो क्या करूं पहलवान, तू ही बता, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दीदी मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, वो बुरी से बुरी आत्मा को भगाता है और इलाज करता है, और वहाँ चलो। नहीं रे पहलवान, मुझे तांत्रिक बाबाओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तो आप पे ही भरोसा नहीं है दीदी, अपने पहलवान के खातिर चलो ना, किसी दिन तुम मेरे ही डक्कन लगा दोगे, मैं कहाँ जाऊंगा। अभी तांत्रिक के पास चलते हैं। ठीक है पहलवान, चल चल, तू कह रहा है तो। लो दीदी आ गए तांत्रिक बाबा का आश्रम। अरे नहीं रे पहलवान, चल चलते हैं, मुझे इन सब भरोसा नहीं है, चल घर चल। अब यहाँ तक आ गए तो आओ चलते हैं ना दीदी। तू भी मानता नहीं है यार। आज तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। जी बाबा, मेरे माथे पे जो ये बांझ का खलंक लिखा हुआ है ये बस मिट जाए, एक बार पुत्र प्राप्ति हो जाए मुझे बाबा। होगी, अवश्य होगी, बस मैं जो दोहरा रहा हूँ उसको मेरे पीछे पीछे दोहरा। जी बाबा। मैं अपने पूरे होश हवास में, अपने पूरे होश हवास में बाबा को समर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। ओम फट स्वः। पहलवान। हाँ दीदी। ये तांत्रिक इस लड़की के साथ क्या कर रहा है? ये तांत्रिक लड़की का इलाज कर रहा होगा दीदी। चल जरा इसका इलाज देखते हैं। आज मैं अपनी तंत्र विद्या का
असली फल भोगूंगा। आज मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति करूंगा। चल खड़े हो जा। चल मेरे पीछे पीछे आ। पहलवान ये तो इसको अंदर लेके जा रहे हैं। हाँ दीदी कुछ तो गड़बड़ है दीदी। लगता है इस तांत्रिक का इलाज ये चिंगारी करेगी आज। चल तो आ जा चल बैठ यहाँ पे लेट जा। साले आवानी सच सच बता इस लड़की के साथ तू क्या करने जाता वरना तेरी सांसें गिर गिर आएगी मेरे सामने कि मुझे इसके शरीर से मुक्ति दिला दे। बोल जल्दी बोल नहीं ओए दूल्हे बोल नहीं बोल नहीं बोल नहीं बोल नहीं बोल नहीं चिंगारी को पकड़ेगा तू चिंगारी नाम है मेरा चिंगारी किन्नर और चिंगारी किन्नर कहीं जाती नहीं है। जब भी कुछ गलत या अन्याय होने वाला होता है ना वो ऊपर वाला अपने आप चिंगारी को वहां भेज देता है। बोल इस लड़की का तू क्या कर रहा था बोल वरना चांद से मार दूंगी मैं। बोल बता दे दीदी को लड़की कैसे होश में आएगी हरामी। बोल जल्दी बोल वरना यही जान से मार दूंगी तुझे। मैंने इस पर सम्मोहन मंत्र का उपयोग किया है जिससे ये मेरे सम्मोहन में आ गई है। तूने ऐसा क्यों किया जवाब दे। क्योंकि क्योंकि ये लड़की मुझे बहुत पसंद थी बहुत दिनों से। मैं इसको अपने वश में लाना चाहता था अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। इसी बहाने इसकी गोद भी भर जाती और मेरी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती। लेकिन चिंगारी आ गई है ना तभी तो मैं सोचूं इतना खतरनाक सपना मैंने देखा क्यों। मारना मुझे तुझे था लेकिन मैं पहलवान का गला दबा रही पहलवान का इस लड़की को होश बुला दे। अभी तो तेरा सिर फोड़ा मैंने अभी तेरी शरीर से आत्मा निकाल दूंगी मैं। जल्दी से होश में जा जल्दी। वो अपने आप तेरे होश में आ जाएगी। लेकिन तू तो दोबारा ये घिनौना अपराध करने के लिए फंसेगा नहीं क्योंकि चिंगारी के हत्थे जो चढ़ जाता ना वो सीधा परलोक जाता है परलोक। नहीं मुझे माफ कर दो। तो माफ कर दो तुझे। चिंगारी की किताब में ना माफी नाम का कोई शब्द नहीं है कोई शब्द नहीं है। बेटा बेटा उठ। ये मैं कहाँ हूँ? अब तू सुरक्षित है चल आ जा।
देख खात्मा कर दिया इस ढोंगी तांत्रिक का, मैंने खात्मा कर दिया। चल बेटा चल, तुझे घर छोड़ देती हूँ। इन तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, समझी ना, ये सब साले ऐसे होते हैं। ये रतन नाम के पेशेंट के साथ कौन है? जी जी मैं हूँ डॉक्टर साहब, मैंने कैश काउंटर पे 1,00,000 रुपए जमा करा दिया है, बताइए और कराना है क्या? वो सब तो ठीक है, पेशेंट के साथ रिश्ता क्या है तुम्हारा? मेरा सबसे अच्छा दोस्त है रतन। दोस्त? तुम जैसे लोग दोस्ती और रिश्तेदारी कब से जोड़ने लगे? ये सब बातें करने का ये वक्त नहीं है, आप बस बताइए मेरा दोस्त रतन ठीक हो जाएगा ना? देखो मेजर एक्सीडेंट हुआ है और उसका खून बहुत बह चुका है, इसलिए उसे खून छुटाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, खून का बंदोबस्त कर जल्दी से जल्दी। डॉक्टर साहब मेरे शरीर का एक एक कतरा आप निकाल लीजिए, लेकिन मेरे दोस्त रतन को बचा लीजिए प्लीज। हम आपका खून नहीं चढ़ा सकते, आप एक काम करो किसी डोनर का बंदोबस्त करो ताकि वो खून दे दे, समझे आप? मेरा खून क्यों नहीं चढ़ सकता डॉक्टर साहब, बताइए क्यों नहीं चढ़ सकता? सुनो, तुम्हारा जेंडर अलग है इसलिए तुम्हारा खून नहीं चढ़ सकता, समझे तुम? लेकिन मेरे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो खून रतन का है डॉक्टर साहब। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे रगों में उसका खून, वो कैसे? डॉक्टर साहब एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था। चिंगारी दीदी, अरे कोई सी मदद कर दो चिंगारी दीदी, दीदी अरे कोई तो बुला लो यार एम्बुलेंस को भाई, ले जा भाई ले जाओ ले जाओ, अरे भैया कोई तो ले चलो चिंगारी दीदी, ए भैया उठा लो दीदी चिंगारी दीदी, अरे भाई लेके चलो इसको हॉस्पिटल ले चलो, मेरे को जाना घर पे यार फोन आया घर पे जा रहे हैं भाई हमें, अरे भाई तुम ले चलो यार चलो, नहीं भाई हम नहीं ले गए, अरे भाई यार फोन तो कर लो कम से कम एक बार एम्बुलेंस, मेरे को भी जाना है तुम कर लो जल्दी, अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं भैया कोई तो बुला लो यार, एम्बुलेंस बुला लो भैया, अरे भैया फोन चिंगारी दीदी, अरे चिंगारी दीदी सलमान, चिंगारी दीदी चिंगारी दीदी सलमान, चिंगारी दीदी चिंगारी दीदी, चलो चलो अरे पहलवान दीदी भी नहीं ले जा रहा यार, पहलवान एम्बुलेंस बुला जल्दी पहलवान। भीड़ कैसी लगी, क्या हुआ भाई? लेकिन सिंगारी दीदी पता नहीं क्या हो गया, अरे तुम लोग तमाशा देख रहे हो, एक इंसान यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, अभी तक तो हॉस्पिटल में पहुंचा देना चाहिए था, हम लोगों को लेट हो, चलो आओ आओ मेरे साथ, अरे चलो हाथ लगवाओ लगवाओ हाथ, सलमान उधर Thank you.
लेटर हो। सिस्टर, मुझे आप कौन लेके आया? आपको रतन नाम का एक लड़का लेके आया था, अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आपका बचना मुश्किल था। अच्छा, मेरे साथ एक लड़का था सलमान, वो कहाँ है? आपके साथ एक नहीं दो हैं, वो बाहर बैठे हैं। जरा बुला दीजिए उनको। अभी बुला के लाती हूँ मैं। आपके पेशेंट को होश आ चुका है, आपको अंदर बुला रहे हैं। दीदी, आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ पहलवान, तू कब आया गांव से? दीदी, जब एक्सीडेंट हुआ था तभी मैं गांव से आया। आप तो दीदी ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं अब ठीक हूँ। अच्छा सिस्टर, ये तो बताओ वो नेक इंसान कहाँ है जो मुझे यहाँ लेके आया था? अब कैसी तबीयत है आपकी? आपकी मेहरबानी से मैं बच गई। इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है? इंसानियत के नाते ये तो मेरा फर्ज था। वैसे अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? लग रहा है आपने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल दिया। अच्छा महसूस कर रही हूँ। पूरे 2 दिन से ये यहीं थे, आपकी देखभाल में रात दिन लगे हुए थे। हाँ, वो 2 दिन से यहीं था ना, तो घर गया था। नहाकर सीधा आ रहा हूँ, ये कुछ फल वगैरह लेकर आया था आपके लिए। एक अजनबी इंसान के लिए आपने इतना सब किया, आपका एहसान जिंदगी भर याद रखेगी ये चिंगारी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है दीदी, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा सिस्टर, इनको डिस्चार्ज कब कर रहे हैं? आज शाम तक हो जाएंगे डिस्चार्ज। ठीक है, चलो आप बात कीजिए, मैं और पेशेंट को देख के आती हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब देखिए, ये वही है जिसने अपना खून देके मेरी जान बचाई थी, और आज जब इसको मेरी जरूरत है तो आप बोल रहे हैं कि मेरा जेंडर अलग है, जो कि इसका और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। जब मैं आपको एक बार कह चुका हूं ना कि मुझे आपका ब्लड नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आप किसी डोनर का बंदोबस्त करो, समझे? वही इसको ब्लड दे सकता है। ये बोलो डॉक्टर साहब कि आपको पर्सनली दिक्कत है किन्नर से? अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया ना तो चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, इस पूरे अस्पताल में आग लगा दूंगी। छोड़ो मुझे। और ये क्या बदतमीजी है, तुमने एक डॉक्टर की कॉलर पकड़ी है? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तुम लोगों ने ना बहुत गुंडागर्दी के मचा रखी इस हॉस्पिटल में। लगा पुलिस को फोन और ये बोलना कि तू पेशेंट को ब्लड इसलिए नहीं चढ़ा रहा क्योंकि ब्लड देने वाला एक किन्नर है। किन्नर? डॉक्टर साहब आप यहाँ गलत कर रहे हैं। अब तू मुझे सिखाएगा कि सही और गलत क्या है? चुपचाप खड़ा रहे, समझ गया? मैं शौक से किन्नर नहीं बना डॉक्टर साहब, जिसने आपको पैदा किया है ना उसी भगवान ने मुझे भी पैदा किया है। मेरा यहाँ दोस्त जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और आप यहाँ जेंडर जेंडर खेल रहे। जरा सोचिए डॉक्टर साहब, कल को मेरे दोस्त की जगह अगर कोई आपके अपने परिवार का सगा यहाँ होता, अगर उसे खून की जरूरत होती और खून देने वाला अगर एक किन्नर होता तो क्या आप खून नहीं चढ़ाते? चढ़ाते डॉक्टर साहब, उस वक्त आप जेंडर नहीं देखते। जरा सोचिए डॉक्टर साहब। ठीक है नरेंद्र। जी सर। तुम इनको लेके जाओ जी। और ब्लड ले लो, क्योंकि पेशेंट को जल्द से जल्द ब्लड चढ़ाना जरूरी है। जाओ, आप जाइए उनके साथ। डॉक्टर साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, भगवान आपका भला करे और आपके बच्चे को आपसे भी बड़ा डॉक्टर बनाए। तो आप प्लीज जल्दी जाइए। चलिए, कहाँ चलना है? सलमान पहलवान तुम लोग यही रहना। चलिए डॉक्टर साहब।
तुम लोग को टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग बाहर जाओ, ठीक है? जाओ। श्याम जी लड़की को बुलाइए। हाँ हाँ बुला रहे हैं। मधु बेटा सविता को ले आना, जा रहा आ रही है। ओके ओके। मदन जी ये रही मेरी भांजी सविता, बेटा सब कुछ आए दो। श्याम जी लड़का को भी आप देख रहे हैं और लड़की को भी मैं देख रहा हूँ, आपकी भांजी को। मेरे तरफ से रिश्ता मंजूर है, आपको कोई दिक्कत नहीं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है मदन जी। मैं जानता हूँ कि आपके घर में मेरी भांजी जाएगी, राज करेगी। आपको किस चीज़ की कमी है? आपकी चार दुकानें, चार मकान है, फैक्ट्री। मेरी भांजी राज करेगी आपके घर में। हमको ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसको बेटी की तरह रखेंगे। वो तो ठीक है श्याम जी, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरा जो लड़का है मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे थोड़ा कमजोर है जी। लेकिन एक बात है, आपकी भांजी को तो अपने महल में रानी की तरह रखेगा जी। अगर आपको मंजूर है, इसे कोई एतराज नहीं है? नहीं मदन जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप जैसा कहें। ये तो अच्छी बात है, तब शादी का दिन निकलवाया जाए। जरूर, क्यों नहीं। अगले मंथ ही शुभ मुहूर्त है, उसी में एक अच्छा दिन देख करके दोनों की शादी करा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं, आइए इसी बात पे। इसी बात पे गले मिलते हैं, आइए बैठिए, मुंह मीठा किया जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, आप जाओ। तमीज़ नहीं है तुझे? दीदी मैं माफी मांगती हूँ आपसे, इनकी तरफ से माफ कर दीजिए। बहन इधर आना। तुमको क्या हुआ है और कौन लगते तुम्हारे? दीदी ये मेरे पति हैं और इनकी मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है। इनकी हालत शादी से पहले से ही है कि शादी के बाद ही? ये बचपन से ही ऐसे हैं। ये सब जानते हुए भी कि इनकी शारीरिक और मानसिक हालत ठीक नहीं है, फिर भी तुमने इनसे शादी की?
ऐसा क्यों? दीदी, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरे मामा ने ही मुझे पाला पोसा। बस अपने मामा की मर्जी और ऊपर वाले की मर्जी से मैंने इनसे शादी कर ली और अपनी शादी निभा रही हूँ। हौसला रख बेटा, भगवान के ना घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हौसला रख, दीपा रख दो। किन्नर का आशीर्वाद सच हो गया। धन्य हो ये किन्नर। तुम सही कह रही हो। चलो घर में सबको बताते हैं। चलो चलो। अरे चल पहलवान, ना धीरे चलता है रे तू, है? पहलवान, ये औरत क्यों रो रही है? क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं दीदी। बताओ क्या हो गया, किसी ने परेशान किया या छेड़ा क्या? कसम गुरु माथी, अगर किसी ने ऐसा कुछ किया होगा ना तो उसे जलाकर राख कर देगी ये चिंगारी। बता मुझे। मेरा नाम गंगा है दीदी, यही सामने वाले घर में काम करती हूँ। 7 साल की छोटी बच्ची घर पे है और 8 महीने का बच्चा है मेरे पेट में है। 6 महीने पहले मेरे पति गुजर गए और जिसके यहाँ काम करती हूँ वो एकदम पत्थर दिल है। आ गई महारानी जी, ये तेरे आने का टाइम है और फिर कहती मेरे पैसे काट लेते हो। साहब, बच्ची को स्कूल में छोड़ के आती हूँ तो वक्त लग जाता है नाश्ता वगैरह बनाने में। फिर बच्चे का मैंने ठेका ले रखा, थोड़ा पहले उठ के तैयार कर लिया कर। गंगा ये बता, तेरा पति तो रहा नहीं, तू दो दो बच्चों का लालन पालन कैसे करेगी? साहब ऊपर वाला है ना, वही सब करेगा। साहब मैं वो आज नाश्ता करके नहीं आई, एक कप चाय मिल जाए तो। क्यों, हराम का माल है क्या जो तुझे चाय पिलाओ नाश्ता करवाओ? साहब ऐसी हालत में भूखे नहीं रहना चाहिए, बस इसीलिए कह रही थी, माफ कीजिएगा। चल पहले काम निपटा ले, चाय तो क्या तुझे कॉफी पिलाऊंगा, जरा हंस के बात कर लो तो बस खाने पीने के मांगने लगते। जा के पहले काम निपटा। ठीक है साहब, काम तो मैं साहब सारा कर दूंगी, लेकिन पिछले महीने की आपने पगार नहीं दी है साहब। घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बच्चों के लिए थोड़ी पगार मिल जाती तो अच्छा होता। देख गंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगले हफ्ते मिलेंगे पैसे, जा काम निपटा। साहब मैं पगार ही तो मांग रही हूँ ना। चल मुंह लगाए लोमड़ी नाचे ताल बेताल, कौन से आम भतीजो, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। बदतमीज कहेंगे, पैसे दे दो पैसे दे दो। क्या करूं दीदी, जेब में 1 रुपया भी नहीं है, घर में छोटी बच्ची भूखी है, क्या खिलाऊं? उस आदमी ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। चल बेटा चल मेरे साथ चल, आज उस हरामी के पिछवाड़े में धक्का नहीं लगाए ना
तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, चिंगारी किन्नर नहीं। चल। अरे कैसे घर में घुसे हो, कौन है तुम लोग? अच्छा तब तू इनको अपना हिमायती लेके आई है। इससे पहले कि मेरे अंदर की ज्वाला फटके तुझे राख कर दे, जितने पैसे इसके बनते हैं ना इसको दे दे, वरना ये चेहरा भी ना आईना पहचानने से इनकार कर देगा। दीदी ये खा खा के ना सांड हो रखा है। सही कह रहा पहलवान, मैंने आज तक सुना था कि एक औरत औरत पे जुल्म करती है, लेकिन तू जैसा हरामी इंसान एक गर्भवती महिला के ऊपर तुझे ये अपना जुल्म करते तरस नहीं आई तुझे? बोल, इसमें तरस वाली कौन सी बात है, बिचारी बहन अपने मेहनत के पैसे मांग रही है। सही कह रहा पहलवान। अच्छा तू पैसे नहीं देगा ना तू जो ऊपर से उठा के नीचे फेंक दोगी, और तुझे पता है जब 3 मंजिला से जब गिरेगा तू कहां पहुंचेगा? बोल पैसे देगा नहीं देगा? बोल, दिखा पैसे, दे दे इसके पैसे। सन आज के बाद से अगर किसी को ऐसे परेशान किया ना, जहां मिलेगा वही जान से मार दूंगी। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे केन्नर। आपकी वजह से इसने मुझे पैसे दे दिए, वरना ये राक्षस मुझे कभी भी पैसे नहीं देता। चिंता मत कर बेटा, जहाँ पे चिंगारी रहती है ना वहाँ पे ऐसे हरामियों को चैन से जीने नहीं देती, चैन से जीने नहीं देती। चल मैं तुझे घर छोड़ती हूँ। चल पहलवान।